फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन होती क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो इस वीडियो लेक्चर में हम लर्न करेंगे। सबसे पहले है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन जो है ये मैकेनिकल सिस्टम में नहीं होती सिर्फ, बल्कि डायनामिकल सिस्टम में भी होती हैं, जो कि एरिया ऑफ साइंस को भी कवर कर रही होती हैं। जैसे कि ह्यूमन हार्ट जो है वो जब बीट करता है तो वो बेसिकली ऑसिलेट कर रहा होता है। अब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फोर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड और मेन पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर कर लें, ये सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, दिस इज सिंपल पेंडुलम। कोई भी रिजिड स्पोर्ट हो उसके साथ आपने एक स्ट्रिंग अटैच किया और उसके आगे मैस है, तो दिस इज नाउन एज सिंपल पेंडुलम। तो इसको आप सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब ये सिंपल पेंडुलम की फिक्स्ड पोजीशन है या फिर मेन पोजीशन है जहाँ वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ठीक है, इसका यहाँ से वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन की फोर्स अपवर्ड है, तो ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, यानी रेस्ट में है। अगर मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे लेके आती हूँ, देन इसको रिलीज कर देती हूँ, तो इसने इस फिक्स पोजिशन के अलॉन्ग टू एंड फोर ऐसे की मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है, दिस इज नाउन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद मैस स्प्रिंग सिस्टम है, आपके पास एक रिजिड स्पोर्ट है उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है और यहाँ पे मैस अटैच है। इस मैस को जब आप डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे और देन इसको रिलीज करेंगे तो इसकी टू एंड फोर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी अबाउट मीन पोजिशन, तो इसको भी आप ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। इसके अलावा जो स्विंग होता है, स्विंग को भी आप इसको आगे की तरफ फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, देन रिलीज कर दें, तो ये भी टू एंड फोर मूवमेंट करता रहता है और ये ऑसिलेटरी मोशन होगी। सिमिलरली ट्यूनिंग फोर्क है, इसमें भी टू एंड फोर जो है वो मूवमेंट होती है। सो उसके बाद पीरियोडिक मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। यानी पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन ही होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जो ऑसिलेशन है उनको एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में कम्प्लीट कर रहा होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कम्प्लीट कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल देखें, लेट सपोज मेरे पास इस वक्त ऑब्जेक्ट पोजिशन टू पे इक्विलिब्रियम पोजिशन में था, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, टेंशन की फोर्स अपवर्ड, तो इस वक्त इक्विलिब्रियम पोजिशन था। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करके पॉइंट थ्री तक लेके गई हूँ और ये दोबारा से यहाँ से वन पे आएगा, फिर उसके बाद जब टू पे वापस आएगा तो ये अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, यानी टू से थ्री, थ्री से टू, फिर टू से वन, और वन से दोबारा से जब टू पे जाएगा तो उस वक्त इसने अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करनी है। या फिर वन पॉइंट की बात करें तो यहाँ से वन से थ्री पे जाके दोबारा से थ्री से वन पे आया तो इस वक्त उसने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो पीरियोडिक मोशन में यह है कि रेगुलर इंटरवल होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट वन से पोजिशन थ्री की तरफ जा रहा है और फिर दोबारा से वापस आ रहा है तो अपनी एक ऑसिलेशन अगर वो पहली ऑसिलेशन फाइव सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो उसने अगर दूसरी ऑसिलेशन और तीसरी ऑसिलेशन चौथी सो ऑन अपनी हर ऑसिलेशन को फाइव सेकंड में ही कंप्लीट किया तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी इस वक्त वो पीरियोडिक मोशन होगी कि उसने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी ऑसिलेशन को कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये थी आपके पास पीरियोडिक मोशन। उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड इन केस ऑफ ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेशन टू पास अ गिवन पॉइंट इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। लेट्स सपोज जहां पे आपके पास एक वेव है, यहाँ से आप देख सकते हो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाके कंप्लीट होती है। अब इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है दैट इज द टाइम पीरियड फॉर दिस वेव। ठीक है, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट के अंदर से एक स्पेसिफिक टाइम में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करके गई हैं बेसिकली हम उसको कहेंगे कि उसका टाइम पीरियड इतना होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं कंसिडर करूँ तो ये यहाँ तक इसका टाइम पीरियड होगा। अगर मैं अपर हाफ की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टाइम पीरियड होगा। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड, जो हम वेव्स में डील कर रहे होते हैं। तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेन टू एक्सट्रीम पोजिशन ऑन ईदर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये अपर एक्सट्रीम है और दिस इज लोअर एक्सट्रीम। ठीक है, ये मैक्सिमम कह सकते हैं, उसको मिनिमा कह सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे आप देखें, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं हो सकता। ठीक है,
आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता है या फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस मैक्सिमम है. सो दिस इज बेसिकली नाउन एज एम्पलीट्यूड. ठीक है, आप इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे. बाकी जो सारे डिस्टेंस हैं वो जस्ट डिस्प्लेसमेंट आप उसको कंसिडर कर रहे होंगे, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो वही डिस्टेंस होगा जो कि मीन से एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम. ठीक है, लेट सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट के अंदर से कुछ वेव्स पास कर रही है. अब उस पॉइंट के अंदर से नंबर ऑफ वेव्स जितनी ज्यादा पास करेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी. लेट सपोज मेरे पास 1 सेकंड का टाइम है और 1 सेकंड और ये पॉइंट है, इस पूरे को मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ. यहाँ पे डिफरेंट आपको वेव्स नजर आ रही होंगी 1 सेकंड के अंदर से. आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से जो ये वेव है इसने 1 वाइब्रेशन कम्प्लीट किया, इस वेव ने 2 वाइब्रेशन कम्प्लीट किया ऑलमोस्ट, इस वेव ने 3 वाइब्रेशन कम्प्लीट किए, इसने 4 कम्प्लीट किए और सो ऑन, इसने बहुत ज्यादा वाइब्रेशन कम्प्लीट किए. तो 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये जो वेव्स हैं वो अपनी जितनी ज्यादा वाइब्रेशन कम्प्लीट करके जाएंगी, जितने ज्यादा साइकिल को पास करके लेके जाएंगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, सो इट्स मीन इसकी कम वाइब्रेशन पास हो रही थी इस पॉइंट से, इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी है, इसकी फर्स्ट से हायर है, इसकी उससे हायर, इसकी उससे हायर और इसकी सबसे ज्यादा हायर. सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड्स, और ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, जैसे कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है. और इसका यूनिट जो है वो आप हर्ट्ज ले रहे होते हो. ठीक है, हर्ट्ज या फिर पर सेकंड.